हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी न्यू डिजाइन का डोरमेट। ये पुरानी चुनियों और साड़ियों से बनाया है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। आज मैं सिखाऊंगी न्यू डिजाइन का डोरमेट। सबसे पहले हम ये पत्ती बनाना सीखेंगे और उसके लिए मैंने ये 24 फिंदे डाले हुए हैं। तो देखें किस तरह से बनाएंगे। दो सलाई हम इसी तरह से निकालेंगे। ये देखें, एक उल्टी एक सीधी सलाई मैंने निकाल ली है। आप देखें इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे किस तरह से बनाना है। ये दो फिंदे हम इस तरह से उतार लेंगे इस पे और यहाँ से मैं बुनाई स्टार्ट करूँगी और दो फिंदे हम नीचे की साइड पे छोड़ देंगे बगैर बुने हुए। ये देखो, दो हमने नीचे की साइड पे बगैर बुने हुए छोड़ दिए हैं, सिलाई को पलट लिया है। ये देखो, अब ऊपर की साइड पे ये हमने पहले छोड़े थे, अब सिलाई को हम पलट लेंगे, फिर दो फिंदे हम इस तरह से उतार के इस वाली सिलाई पे कर लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे दो फिंदे छोड़ते हुए। इसी तरह से हम बीच में जब चार फिंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दो दो साइड, इधर से दो बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे। ये देखो, बीच में मेरे पास चार फिंदे बचे हुए हैं, इनको नहीं हम छोड़ेंगे। बाकी फिंदे इधर हमने छोड़ लिए हैं। इधर की साइड पे देखिएगा, 10 फिंदे इधर छोड़ लिए, 10 इधर छोड़ लिए। अब सिलाई को हम पलटेंगे और कलर चेंज करेंगे। अब ये देखें, पीली वाली बन के तैयार हो गई है। अब ये वाली रेड वाली बनानी है, तो रेड देखें किस तरह से बनाएंगे। ये धागा उल्टी साइड से हम लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। इधर मेरा सीधा है, आप देखें दो फिंदे हम इस वाली सिलाई पे ले लेंगे और इनको हम बना लेंगे इस तरह से। दो इधर से, तो और शुरुआत पहले ऊपर की साइड से करनी है। दो हम फिंदे अब नीचे की साइड से ले लेंगे, ये देखें इस तरह से, और सिलाई को पलटते जाएंगे। ये उल्टी सिलाई में जो फिंदे इधर से करने, दो दो, वो उल्टी सिलाई में करने होते हैं। सीधी सिलाई में हम सिर्फ बुनते हैं, बुनाई करते हैं। ये देखें इस तरह से, फिर से देख लें एक बार। ये वाले पीले वाले दो फिंदे हमने इस वाली सिलाई पे ले लिए और यहाँ से इस तरह से बुनाई स्टार्ट करते हैं। इधर नीचे साइड से दो फिंदे लेते जाएंगे, तो ये हम इसी तरह से बना लेते हैं, फिर आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो, पूरी पत्ती बन के कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे तो कम्प्लीट हो जाएगी। फिर मैं ये वाली पत्ती बताऊंगी और थोड़ी सी ये गोल गोल सी हो जाती है, तो ये पत्ती बनाते हैं तब ये पत्ती बिल्कुल सही आ जाती है। ये देखो, अब हम ब्लैक कलर लगाएंगे, तो इसके मैं 12 फिंदे बिनूंगी, हाफ हाफ कर लूंगी इस तरह से। 12 फिंदे मैं बिन लेती हूँ, फिर मैं आपको बता। हमने 12 फिंदे यहाँ से लेके यहाँ तक बिन लिए हैं, सिलाई को यहीं से हम पलट लेंगे। तो ये पूरी रो में इसी तरह से एक फिंदे को छोड़ रहे हैं इस तरह से। एक ये पहले छोड़ लिया, एक ये छोड़ लिया, इसी तरह से हम एक एक फिंदे को छोड़ रहे हैं। और ये वाली डिजाइन अब स्टार्ट करेंगे, तो दो फिंदे छोड़ने के बाद डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ब्लैक से मैं शुरुआत में 4 फिंदे बिनूंगी, फिर दो फिंदे हम इस वाले कलर से बनाऊंगी। दो फिंदे बना लिए, अब देखें दो फिंदे इधर से मैं
तीन फिंदे को बनाऊंगी और ये तीन फिंदे छूट जाएंगे। ये देखो दो फिंदे अब हम ऊपर की साइड पे बनाएंगे और दो हम इधर से ये ग्रीन कर लेंगे और दो इधर से ग्रीन कर लेंगे और दो मेरे पास पहले से हैं। ये देखें इस तरह से सिलाई को यहीं से हम पलट लेंगे। ये देखें आप दो फिंदे अभी ये ब्लैक ही रहेंगे, यहाँ पे दो फिंदे ग्रीन और दो फिंदे हम ब्लू बनाएंगे इस तरह से। और दो फिंदे ये ग्रीन साइड साइड के ग्रीन और बीच में ब्लू। देखें ये छह फिंदे ग्रीन हो जाएंगे इस तरह से। तो सिलाई को पलटते जाएंगे। अब देखें अब चार फिंदे यहाँ पे ब्लैक हो जाएंगे इस तरह से और ग्रीन दो फिंदे बचेंगे। इधर के भी ब्लैक, यहाँ से हम एक फिंदे को इस तरह से उठाएंगे और ये ब्लैक के साथ बुन देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब ये नीचे की साइड पे जो फिंदे छोड़े हुए थे उसी तरह से हमें बनाना है एक एक करके। अब देखें ये सारे फिंदे ब्लैक हो जाएंगे तो ये फूल बन के तैयार हो गया है। इस तरह से यहाँ गैपिंग है तो इस तरह से हम एक फिंदे को उठाएंगे और इसमें से एक फिंदे को बुन लेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो दो फिंदे और इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये देखें फूल बनके कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का इधर का हिस्सा हमें इसी तरह से बनाना है तो बना लेती हूँ फिर दिखा। ये देखिएगा हमने बना लिया है, ये भी कली कंप्लीट हो गई है, ये भी हो गई है। अब स्टार्ट कैसे करनी है, आप पीले से कलर हम फिर लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बुनेंगे। दो सिलाई निकालने के बाद जिस तरह से हमने नीचे वाली कली स्टार्ट की थी उसी तरह से हमें स्टार्ट करने हैं। यहाँ देखें यहाँ इस तरह से हम फिंदे को उठाएंगे इस कली में, इस तरह से फिंदे में बन देंगे। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। ये देखें इस तरह से